अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, पर तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, वरना जनाजा और बारात एक ही समान है। हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, लोगों को हंसाना आकाश और अभिषेक की पहचान थी। लेकिन लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि सभी लोगों को रुला देंगे दोनों। बिस्वा के हर शख्स की आंखों में आंसू और होंठों पे लड़खड़ाहट है। वजह है कि आकाश और अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है। और पार्टी में तो बहुत ही तत्परता से लगा हुआ था, और मेरा तो सब कुछ चला, मेरा तो एक दाहिना हाथ था, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। सीतापुर के तहसील बिस्वा के रहने वाले दो जिगरी यार आकाश और अभिषेक, दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि हर कोई उनको एक दूसरे का भाई समझता था। दोनों का व्यवहार लोगों के लिए इतना अच्छा था कि कम उम्र में ही हर किसी के दिल में जगह बना ली थी। कावड़िए आते हैं तो उसकी सेवा में हमें रात से सुबह तक तल्लीन रहना पड़ता है। अभिषेक प्रत्येक वर्ष मेरे साथ कंधे से कंधा जोड़कर उस आयोजन में भी रहता था। और अभी कोरोना काल की बात अगर मैं आपको बताऊं, हम सब ने बढ़ चढ़कर देर रात तक एक आवाज़ पर लोगों की मदद के लिए अपना समय निकाला है। अभिषेक उसमें बढ़ चढ़कर हमारे साथ में आता था। राशन बांटना हो या किसी को दवाई मुहैया करानी हो, ये सारे काम अभिषेक ने हमारे साथ मिलकर किए हैं। मेरे पास शब्द बहुत कम हैं उसके बारे में बोलने को, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप सिर्फ संपर्क स्थापित करने के लिए लोगों से मिलते हैं, लेकिन अभिषेक का जो व्यक्तित्व था, अभिषेक उस व्यक्तित्व का धनी था कि आपका वो संपर्क संबंध में बदल जाता था। अभिषेक ऐसी क्षमता रखता था अपने अंदर कि उस संपर्क को संबंध में स्थापित कर देता था, इसीलिए मुझे भी वो बड़े भाई की संज्ञा देता। यही वजह रही कि दोनों की मौत की खबर सुन ली तो लोग सन्न रह गए। लोगों को इस बात का यकीन नहीं हुआ। सारे काम काज छोड़कर हजारों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए अस्पताल से लेकर घर तक आ गए। इतना ही नहीं, बड़ा जनसैलाब देखने के बाद बड़े बड़े नेताओं ने भी खुद को सोशल मीडिया पर दुख जताने से रोक नहीं पाए। वाह, हमारे साथ इस संबंध में मौजूद है बिस्वा के ब्लॉक प्रमुख राकेश वर्मा, जिनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, दुखद घटना हुई है, उनकी ओर से क्या मदद परिवार को मिलेगी और सरकार से वो भी क्या मांग करते हैं। अभिषेक पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता था, हम लोगों का छोटा भाई था, रही मदद की, हम तन मन धन से जब तक मेरे शरीर में कुछ भी खतरा है मैं उसकी सारी मदद करूंगा, धन से भी और तन से भी। अच्छा, जैसा कि हमको जानकारी में है कि वो उनके साथ एक मित्र आकाश मिश्रा भी था जो कार्यकारिणी सदस्य था, लेकिन सक्रिय सदस्य था, कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम में भी हर जगह लोगों के साथ जाया करता था, तो उसके लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभिषेक और आकाश दोनों एक ही थे, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ पार्टी की ज़रूरत पड़ी, हर मीटिंगों में, हर जगहों पे कोई रैली होती थी या कोई नेता आता था, दोनों साथ साथ रहते थे। मैं दोनों परिवारों के लिए बहुत सहानुभूति प्रकट करता हूँ और कोशिश करता हूँ करूँगा कि इनके लिए कुछ भी जो मेरे उसमें हो सके मैं करूँगा। और मैं पार्टी से भी निवेदन करता हूं कि पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते, इतना सक्रिय सदस्य होने के नाते पार्टी से भी अनुरोध करूंगा कि उसके लिए कुछ न कुछ करे। सांसद हो या विधायक, सभी के बहुत प्रिय थे आकाश और अभिषेक। बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने में काफी मेहनत की, बिस्वा में बीजेपी को एक बड़ा स्टैंड दिया। आकाश और अभिषेक ऐसे शख्स थे जो किसी को भूखा नहीं सोने देते थे। कुछ ऐसे ही काम थे जिसको लेकर दोनों जनता के बीच में आ गए और दिलों में राज करने लगे। और जो प्रमुख जी थे बिस्वा के, माननीय राकेश शर्मा जी, उन्होंने मतलब हमेशा उसको अपना छोटा भाई समझा और हमेशा उनके साथ रहता था। अंतिम संस्कार हुआ दोनों हमारे भाइयों का, छोटे भाइयों का। और ये कपिल मिश्रा थे जो अपने शब्दों के माध्यम से अपना दर्द बयां कर रहे थे। ये वो दर्द था जो एक डोर से बंधा था, लेकिन आज भगवान को ये मंजूर नहीं था और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। वो डोर टूट गई और आज कपिल मिश्रा जीवन में अकेले हो, दोस्ती का
बंधन अब टूट चुका है। विश्वास से स्टार न्यूज पर आशुतोष तिवारी।